सो पॉलिटी गवर्नेंस वी हैव टू स्टार्ट, और मैक्सिमम एम है कि आज के क्लास में, यानी तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसका हाफ मतलब फर्स्ट पार्ट तक खत्म हो जाए। पीछे से कुछ आवाज आ रही है, कुत्ते का आवाज है क्या शबनम? मैं म्यूट करती हूँ। हाँ, तो कुछ एम है मेरा, फटाफट 457 स्लाइड्स हैं, तो एटलीस्ट एम है कि आज 240 स्लाइड्स तक हम कर लें, मिनिमम उतना कर लें। तो ये ध्यान रखिएगा शबनम, ठीक है? कहाँ तक करना है? 240 स्लाइड्स तक, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा बिकॉज आपने हिस्ट्री तुरंत अभी पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं। एम एन रॉय, एम एन रॉय के बारे में आपने कहाँ पे सुना था? ये कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि दो वर्जन है कम्युनिस्ट पार्टी का, एक सीपीआई ने बोला कानपुर में फॉर्म हुआ है 1925 में, दूसरा सीपीआईएम ने बोला कि नहीं 1920 में ताशकंद में फॉर्म हुआ था एम एन रॉय के द्वारा। तो उन्होंने ही पहले बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनना चाहिए जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें हुई कैबिनेट मिशन प्लान के बाद, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना, उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आया। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात तो ये, आपने ये स्लाइड्स देखा था शबनम? हेलो शबु, अनम्यूट कर। हाँ, देखा कहाँ तक देखा था? कितने स्लाइड नंबर तक देखा था? कर लो अनम्यूट कर लो यार, तुम म्यूट करके सेवन बोल। सेवन हाँ, आई गेस सर सेवन 7 नंबर स्लाइड तक। यस सर। वो कर रही थी आपका जो होमवर्क था ना, वो डिफरेंस पता करने है, वो ठीक सब है कर रही ठीक है, थी अभी क्रोनोलॉजी आज का। आज हमारा एम क्या है, 240 स्लाइड्स तक करना है इसको, ठीक है? 240 स्लाइड्स तक ओके करना है। ओके देखिए ये जो है 1935 एक्ट, पहले बात कर लेते हैं रेसिडोरी पावर क्या होता है। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड रेसिडोरी पावर? रेसिडोरी पावर का क्या मतलब होता है? एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो पहले से सब यस सर। डिवाइडेड है कि यूनियन लिस्ट पे यूनियन बनाएगा सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएगा कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 1947-50 में जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब इनको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का कोई सब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं होगा। ऐसे सब्जेक्ट जो कहीं नहीं है वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स इनको बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। और 1935, यस सर हाँ, रेसिडुअरी पावर जो दिया गया था वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। वैसे यूपीएससी यहाँ पे गलत है, गवर्नर जनरल उनको नहीं लिखना चाहिए था, वॉइस रॉय लिखना चाहिए था, बिकॉज 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बोलते थे। तो ये सारी बातें हैं, ये वाला स्लाइड देख लीजिएगा, ये बातें हमने पहले भी किया है जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसीलिए पॉलिटी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये प्रियम्बल बन गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो यस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, ये प्रियम्बल बन गया। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था जो कि 1935 एक्ट में था, सर डीपीएसपी डीपीएसपी बन गया, और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़ा इंस्पायर्ड है हमारा डीपीएसपी। फिर हमने ये बातें की थी और ये बातें आगे भी करते रहेंगे कि इन्होंने अडॉप्ट किया कब, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कब बोला कि ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा, नेशनल एंथम होगा। तो इसमें कॉमन सेंस भी अगर आप लगाइएगा कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है और उस दिन वो झंडा फहराएंगे, तो ऑब्वियसली जो नेशनल फ्लैग वो अडॉप्ट करेंगे उससे पहले अडॉप्ट करेंगे। तो ये यस सर July 22, 1947 को हुआ। नेशनल एंथम और सॉन्ग 2 दिन पहले हुआ रिपब्लिक डे से, January 24, 1950। इतना बस ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। एक जो क्वेश्चन बहुत बार आता है वो भी बताऊंगा। मॉन्टैक चेंज फॉर प्रपोजल, ये हमें पता है, ये 1919 जो एक्ट था हमारा उससे यस रिलेटेड है। हाँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है कि डायरेक्टली लाएंगे प्रोविंसेस में, बाइकैमरलिज्म लाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शबनम, जो आप आज का सबसे मतलब फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन रहे थे ना, तो ऐसा थोड़ी इतनी सारी चीजें हैं एक आदमी नहीं कर सकता, तो इन्होंने अलग अलग कमिटीज में डिवाइड किया। 8 मेजर कमिटीज हैं, यही मेजर कमिटीज इंपॉर्टेंट हैं, माइनर कमिटीज आपको नहीं पढ़ना है बेटा। आपको ये करना है शबनम, ये आपका पहला होमवर्क है, ये सारे मेजर कमिटीज, उसमें भी जो अंडरलाइंड है, जैसे पावर कमेटी नेहरू, ये याद कर लीजिएगा कि पावर कमेटी का हेड कौन था। ड्राफ्टिंग कमेटी आप 50,000 बार पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड था अम्बेडकर सर। जो भी अंडरलाइंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स कमेटी नेहरू। आपको ये लगेगा स्टेट्स कमेटी में ना आप आराम से तुक्का मार दोगे पटेल, क्योंकि आपको लगेगा कि पटेल सर जो थे वो उस टाइम रीऑर्गेनाइज करवा रहे थे स्टेट्स को, वो प्रिंसली स्टेट्स को अनेक्स करवा रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन स्टेट्स कमेटी का हेड जो था वो नेहरू जी थे, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। ये याद रख लीजिएगा, ये मेजर कमेटी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? माइनर यस कमेटी सर भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, इसको देखना भी मत, अभी कोई जरूरत नहीं है इसको, कोई नहीं कर पाएगा सॉल्व माइनर कमेटी, लेकिन मेजर कमेटी याद रखना है। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया था हमने, बहुत सारे मेजर प्रोविजन। सर तो लेकिन फिर भी हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया, ये आपको पता है क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा यस है ना? ठीक है, सर अब लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये जो नवंबर 26, 1949 है, नवंबर 26 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नवंबर 26 को, ठीक है?
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर सर को कहते हैं, काफी पढ़े लिखे थे, उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। यहाँ पे वही सारी बातें चल रही कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन सिटीजनशिप रिलेटेड एक्सेट्रा, वो 26 नवंबर तक ही रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी हमने 26 जनवरी को चुना, बिकॉज इट ऑल्सो हैड अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये दूसरा नाम है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, मतलब हमारे यहाँ सेंटर है, सेंटर पावर डिवाइड करता है, उसने स्टेट्स को पावर दिया और फिर यहाँ से नीचे पावर जाती है लोकल बॉडी को। तो ये एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। फेडरलिज्म इज जस्ट अबाउट कि फेडरल स्टेट क्या होता है, फेडरल मतलब अगर सेंटर ने स्टेट को ही पावर दे दिया तो वो फेडरलिज्म हो गया, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है शबनम, पॉलिटी के लिए, हाँ ये सब बोलिए सर। पॉलिटी के लिए आप जो सबसे पहले चीज पढ़ेंगे वो ये स्लाइड सबसे पहले देख लीजिएगा, स्लाइड देखने के बाद जो ये क्या बोलते हैं PG 365 है वो देख लीजिएगा एक बार, सरसरी लुक, जैसे आपको मैंने बताया था वो ऑक्सफोर्ड सर्वे वाला कैसे पढ़ते हैं वैसे फटाफट देख लीजिएगा, और उसके बाद टाइम मिले तो लक्ष्मीकांत की किताब से, अगर टाइम मिले, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, टाइम मिले तो लक्ष्मीकांत की किताब से ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, म्युनिसिपैलिटी ना भी पढ़ पाए तो एटलीस्ट पंचायत वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है बस उतना कर लीजिएगा, ये बहुत मोर देन एनफ है, ये दोनों करना, अगर इसके बाद टाइम मिले पढ़ना, अदरवाइज PG 365 में वैसे भी वो कवर हो जाएगा और मेरे इसमें भी बहुत कवर्ड है। तुम कुछ पूछ रहे थे, फटाफट पूछो क्या पूछ रहे थे सर। सर फेडरलिज्म भी तो डिवीजन ऑफ पावर्स है ना। हाँ डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन फेडरलिज्म जो है वो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में पावर डिवीजन है। लोकल सेल गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है, वो मतलब आप स्टेट्स में पावर दे दिए नीचे की तरफ थर्ड टायर को, तो वो एग्जांपल होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। फेडरलिज्म इज जनरली एसोसिएटेड विद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद लोकल सेल गवर्नमेंट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि सीधा हम लोग से बात कर रहे हैं, हम गवर्न कर रहे हैं, शबनम गवर्न कर रही है, मैं गवर्न कर रहा हूँ, ये स्विट्जरलैंड में होता है, ये रेफरेंडम में होता है, ये प्लेबिसाइड में होता है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पीपल खुद ही रूल करने लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोलकाता सर? यस सर। 73rd अमेंडमेंट पंचायत, 74th अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको बताया कि पीपल का खुद का वॉइस है, वही लोग जैसे आए ना आए करेंगे यहाँ पे, कोई कोई बात चल रही है कि शबनम को पॉटी हो रहा है, उसके लिए कौन सा दवाई उसको दिया जाए, और तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें फिर लोग ऐसे उठा उठा के बताएंगे कि ये पॉटी का दवाई है, ये पॉटी का दवाई है, तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा जिसपे वही पॉटी का दवाई शबनम को मिलेगा। समझ आ रहा बालक? यस सर। हाँ अब उसके बाद 42nd अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अमेंडमेंट किया गया था इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पीरियड के टाइम में, इसमें इन्होंने हाई कोर्ट्स के पावर बहुत अमेंड कर दिए थे, बहुत कम कर दिए थे, इस टाइम ही 42nd अमेंडमेंट से ही फंडामेंटल ड्यूटीज आया है, तभी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे और स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है ये याद रखना है। और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, डीपीएसपी में 4 DPSP ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में, उसमें बहुत सारा था, एक था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फिर एक हेल्थ रिलेटेड था, बहुत सारी बातें थी, वो चारों डीपीएसपी हम देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें स्लाइड में लिखी है उसको देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है 7th अमेंडमेंट में, जो हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पढ़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से रादर देन प्री पर्सपेक्टिव। 42nd अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल वर्ड में, प्रीएम्बल में सिक्युलर वर्ड नहीं था, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी वर्ड पहले से नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बाद में ऐड किया गया है, इसीलिए ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जैसे अरविंद सुब्रमण्यन सर, ये सारे लोग, अरविंद सुब्रमण्यन ये एक सुब्रमण्यन है जो बीजेपी के लीडर है, वो बोलते हैं कि इंडिया सिक्युलर स्टेट नहीं है क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इंदिरा गांधी ने ऐड किया, इससे इंडिया सिक्युलर नहीं होता है, हम कभी भी सिक्युलर स्टेट नहीं थे, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। हम फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने बात की, फिर ट्रिब्यूनल का एक प्रोविजन है जो ऐड हुआ है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी जो कोर्ट्स हैं इसमें बहुत सारा पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो ये दूर करने के लिए एक अल्टरनेट बॉडी बनाई गई है जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। इसके भी कुछ इश्यूज हैं, ये हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम जुडिशियरी पढ़ेंगे GS2 मेंस में। ठीक है अभी बस याद रखिएगा आर्टिकल्स क्या है, 323 है, 323B और पार्ट क्या है 14। ठीक है सर, क्वासी जुडिशियल एक बार बताइए ना क्या होता है। क्वासी जुडिशियल वो होता है कि जो जिसके पास जुडिशियरी जैसा पावर होता है लेकिन एग्जैक्ट सेम पावर नहीं होगा, जैसे मान लो NHRC है, दैट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। NHRC का क्या फंडा है कि ये तुमको बोलेगा कि तुम फाइन पे करो, स्टेट्स को बोलेगा तुम अपना काम करो, लेकिन सर एग्जांपल में NGO भी है ना, NGO ह्यूमन राइट्स, NGO थोड़ी क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब है, जिसके पास जुडिशियरी वाला पावर है कि तुमको फाइन लगाया एक्सेट्रा लगाया, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, NHRC क्वासी जुडिशियल बॉडी है, NGO थोड़ी ना तुमको फाइन वाइन लगा रहा है, तो थोड़ी तुम कंपल्स मतलब तुम्हारे ऊपर कंपल्सन थोड़ी ना है कि तुम फाइन पे करो ही, वो कोई क्या बोलते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है ना यार, यहाँ पे हम गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। पुलिस भी क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, वो जुडिशियरी से रिलेटेड है, पुलिस एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जो क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसके पास थोड़े बहुत जुडिशियरी के पावर हों,
थोड़े बहुत जुडिशरी के पावर, मतलब जो थोड़ा पेनल्टी लगा सकता है, फाइन लगा सकता है। वो जो पेनल्टी और फाइन लगा रहे हैं वो दूसरे तरीके का फाइन है। जैसे एनएचआरसी आप पे फाइन लगा रहा है, वो एक बॉडी है, वो देख रहा है आप कोई रूल वायोलेट कर रहे हो, आपको फाइन लगा रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो पुलिस से, लेकिन यहाँ पे तुमको ट्रिब्यूनल्स के बारे में बोलना है, एनएचआरसी के बारे में बोलना है, सीसीआई के बारे में बोलना है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। प्रीएम्बल और एफडीज देख लीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे प्रीएम्बल में 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें वो यहाँ पे पूछ देते हैं कि किस दिन हमने अपने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स जो है यहाँ पे 26 नवंबर 1949 है, बहुत लोग इसको 26 जनवरी 1950 करके आएंगे, समझा रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट, 4 DPSP, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए आईसीडी स्कीम आई हुई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्री लीगल एड, इसके लिए कौन सा आया हुआ स्कीम, नालसा बताया था ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, सो इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत सारी चीजें। तो ये सारे अमेंडमेंट, सॉरी सारे डीपीएसपी ऐड हुए हैं 42nd अमेंडमेंट से। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सर, सब नाम? यस सर। समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको चार बार देखना होगा, तब जाके आपको याद होगा, ठीक है। मोर देन समझना, वहां पे थोड़ा सा मेमोरी वाला पॉइंट ज्यादा है। इसका आंसर क्या है? कट रहा है तुम्हारा आवाज शबनम, मिस्टर शबनम। यस सर। आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। हाँ, आंसर क्या है सर इस क्वेश्चन का? आंसर देख, जब भी ऐसे देख रहे हैं ना, तो वीडियो मान लो तुमको वीडियो शेयर कर रहे हैं और हम इतना फटाफट आंसर बता रहे हैं क्योंकि हम पास जा रहे हैं, तो तुम पॉज कर देना वीडियो। जैसे क्वेश्चन देखिए, मेरे को पॉज कर दो, खुद से आंसर दो, फिर अनपॉज करके मेरा बकबक सुनो, समझ आ रहा है? आपको पॉज कैसे करूं? अभी नहीं पॉज करोगे मेरे भाई, जब बाद में वीडियो रिविजन के लिए देखोगे। यस यस, बाद में तो यस। अभी कैसे पॉज कर दोगे मेरे को? तो मेरे भाई इसका आंसर है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, अभी देखा था ना बी, ये देखो थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, ठीक है। 44th अमेंडमेंट क्या क्या वो क्या बोल रहे हो बेटा, क्या हो गया, पेट दर्द कर रहा, पटी हो रहा है? नो 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 सर। हाँ, 44th अमेंडमेंट क्या है? 44th अमेंडमेंट एक्ट, वो यहाँ लिखा है कि जिसके वजह से हम लोग ने वो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हटाया था। अरे बाप ले, हुआ क्या? और लीगल राइट। अरे वाह वाह वाह, कितना समझदार है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंडियन इंदिरा गांधी जी लेके आए, बहुत सारे चेंजेस किए। अब इंदिरा गांधी के बाद जो आया, उन्होंने सब चेंजेस चेंज कर दिए, मतलब वो ऑब्वियसली कोई दूसरा गवर्नमेंट आएगा वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो उसने बहुत सारे प्रोविजन रिवर्स कर दिए। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले 31 में था उसको हटा के 300A में ले आए और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। फिर उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्यों लगाया था, क्योंकि पहले इमरजेंसी में प्रोविजन क्या होता था, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के उन्होंने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, कि मान लो ऐसा नहीं है इंटरनल डिस्टर्बेंस में कि जयप्रकाश नारायण या ये लोग कुछ प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके नाम पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते जब तक कोई आर्म्ड रिबेलियन ना हो। फिर हाई कोर्ट के पावर कम किए थे, वो रिस्टोर कर दिए। उसके बाद एक और डीपीएसपी भी ऐड किया, जिसमें की बात कर दी कि हमें इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता आसा? वाह वाह वाह, तब हम कितना समझदार है। तो ये वाला जो डीपीएसपी है, ये याद रखिएगा, 4 DPSP ऐड हुए 42nd में, और ये वाला जो मिनिमाइज इनइक्वालिटी है, ये 44 से याद हुआ है। थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा, एक जो चीज जिसमें दोनों ने बदमाशी की, आप आगे जो पढ़िएगा, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। मेरी आवाज कभी कभी ना सुनाई दे तो चैट बॉक्स में डाल देना कि आवाज नहीं आ रहा है सर। डिस्क्रिशनरी पावर, तो उसमें आप देखोगे कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा होता है प्रेसिडेंट से, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब होता है, ऐसे डिसीजन जो तुम खुद ले पाओ। जनरली क्या होता है कि जैसे मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन मान लेते हैं कि कोई आदमी है जिसकी शादी हो गई या कुछ भी है, तो वो डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि बीवी और सबका सुनना पड़ता है, राइट। तो अनमैरिड पर्सन का डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैरिड पर्सन। आई एम जस्ट जोकिंग, बट होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। हाँ, उसी तरीके से गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा होता है प्रेसिडेंट से। गवर्नर बहुत सारे फैसले खुद से ले सकता है बिना ज्यादा पूछे उछे सीएम वीएम से, लेकिन प्रेसिडेंट का पावर बहुत कम है। क्योंकि जनरली ये 42nd और 44th अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया है, कि जो भी मिनिस्टर या पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग है। ऐसा कुछ बाइंडिंग चीज गवर्नर के साथ नहीं है, वो चाहे तो सुने नहीं तो नहीं सुने। इसीलिए गवर्नर सीएम में झगड़ा होता रहता है बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है। वाह वाह वाह, अब ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है पंचायती राज का, हमेशा याद रखना, वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, ये तो होगा ही। तो थर्ड वाला पॉइंट देखिए, हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन करना, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन कोई एम नहीं है। वन वन भी है, वन और थ्री दोनों है,
वो पीपल्स पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी, दोनों एम है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन एम नहीं है, क्योंकि बहुत जगह तो पैसा लेने का पावर भी नहीं दिया है पंचायत को। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कर्नाटका, वहां तो आप पंचायती राज का इलेक्शन तभी लड़ पाओगे जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो, मतलब अपॉलिटिकल बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जाता है। तो ऑब्वियसली मान लो तुमको पता था 1 और 3 सही होगा, तो अगर 1 और 3 सही होगा तब भी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं ACD। तुमको ये पता होना चाहिए कि बहुत जगह तो पंचायत मतलब पैसे नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, तो फोर्थ रॉन्ग हो गया, फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा तब भी तुम बचोगे ए और सी में। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इज नॉट द एम, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कोई एम नहीं है, कहीं कहीं तो पॉलिटिकल क्लास को अलाउ भी नहीं किया जाता पंचायत के इलेक्शन को लड़ने में। पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं मिस्टर शबनम, मिस शबनम, मिस शबनम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज डे? जून यहाँ लिखा है बेटा आपके आंख के अंदर, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। अरे शबु क्या हो रहा है ये, ठीक है ये स्लाइड्स फटाफट देख लीजिएगा, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट देखो। आगे चले, यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बात बताया पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये फोर्थ पॉइंट पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कर्नाटका में, ये लिखता है सर ठीक है, यस सर। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 97 अमेंडमेंट से कॉपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जैसे अमूल भी एक कॉपरेटिव सोसाइटी है, इसमें जो लोग होते हैं सिमिलर बैकग्राउंड के वो आ जाते हैं कॉमन कॉज के लिए। अब ये याद रखिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जैसे 101st अमेंडमेंट है, ये इससे GST आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। जब हम इकोनॉमी का स्लाइड्स देखेंगे वहां पे आप फिर से जीएसटी अच्छे से देखिएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, ये करंट अफेयर्स का पोर्शन आ गया 103, कितने 103। Are you sure? Yes, sir. देखो यहाँ आपके अंदर कितने टोटल अमेंडमेंट, फोर्थ वाला तो पास, टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं मिस शबनम, मिस्टर शबनम 105 हो गया। तो ये याद रखिएगा कि टोटल अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105 अमेंडमेंट्स अब तक हो चुके हैं, ठीक है। 101st GST था, तो इसी तरीके से 102nd, 3rd अभी हम सारे देखेंगे, 10% EWS वाला भी था 103rd अमेंडमेंट। तो टोटल अभी तक कितने अमेंडमेंट हो गए मिस शबनम, 105, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसलिए हिस्ट्री का पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कि ऑलमोस्ट हमारा 50% प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसा? यस सर। GST GS2 जो पॉलिटी है उसमें आप एक मेंस के सिलेबस में देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक सिलेबस है, उसमें हम ये सब फिर से पढ़ेंगे कि कहां से क्या उधारी मांग के हम लाए हैं। और ये हमने बहुत बार पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लाए, फंडामेंटल राइट्स कहां से लाए, ब्ला 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 ब्ला, राइट। इस स्लाइड को देख लेना, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, बहुत बार पढ़े हो। अब इंडिया क्या है, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, कि अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कोई एक पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, कोई ऐसा अगर फ्लेक्सिबल है तो इसको चेंज करना आसान है। हमने दोनों ही फीचर ले लिए हैं, कुछ रिजिड है कुछ फ्लेक्सिबल है। रिजिड इसीलिए ताकि अगर सेंटर बहुत पावरफुल हो जाए तो वो स्टेट्स के पावर कम ना कर पाए, फ्लेक्सिबल इसीलिए कि अगर छोटे मोटे कोई मुद्दे हैं तो उसके लिए बार बार 50 बार स्टेट से पूछना ना पड़े, उसको आराम से हम चेंज कर सकें। So, ये एक ब्लेंड है हमारे पास रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, समझ आ रहा है ना। तो ये जो है कहाँ पे अमेंडमेंट होता है, कौन से आर्टिकल अमेंडमेंट की बात करता है, 368 जो आर्टिकल है वो दो तरह के अमेंडमेंट बताता है। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि पढ़ो क्या होता है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मींस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, हैव आई टोल्ड यू और नॉट? सिंपल मेजोरिटी नहीं पला है तुम, पला है? नो सर। सिंपल मेजोरिटी होता है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, मैं बोलता जा रहा हूँ लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सिंपल मेजोरिटी मींस मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है मेजोरिटी ऑफ, तो अभी आपको स्लाइड में भी दिख जाएगा, स्लाइड में भी है ये मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इफेक्टिव मेजोरिटी भी होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब मान लो 552 सीट है लोकसभा में, और 552 सीट में तो 550 हो गए, एंग्लो इंडियन का सीट हटा दिया, 550 में 10 लोग जो है मर गए हैं, क्योंकि आप देखते हैं बहुत बुढ़े बुढ़े लोग भी जाते हैं MP बन के और वो टपकते रहते हैं बीच बीच में, कभी कोई टपकेगा कभी कोई टपकेगा, है ना। तो ये जो टपक गए हैं, ये जो वैकेंट हो गया, इसको हटा दोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिलता है। मान लो 550 सीट का 10 लोग टपक चुके हैं, तो ओवरऑल जो अभी इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो है 540। इसका जो तुम मेजोरिटी लोगे 540 बाई 2+1, ये होगा इफेक्टिव मेजोरिटी आपको ये। और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, जो यहाँ लिखा है 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ये मैं अच्छे से आपको बता दूंगा
टेंशन नहीं लेना है, अभी पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? और स्लाइड है उस स्लाइड देख लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग कविता सी? यस सर। हाँ, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बस 368 बस दो ही तरह के अमेंडमेंट मानता है, एक स्पेशल मेजोरिटी वाला और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। ये जो दो चीजें हैं इसी को ये अमेंडमेंट मानता है। बहुत सारी चीजें सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड हो जाती हैं, जैसे स्टेट के बाउंड्रीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिशन एटसेट्रा, उसको वो अमेंडमेंट नहीं मानता। वो बोलता है अरे यार ये तो फालतू की चीजें हैं, इसको तो कैसे भी अमेंड कर सकते हो, इसको मैं बार बार अमेंडमेंट में नहीं जोड़ूंगा, नहीं तो ऐसे तो 50,000 अमेंडमेंट हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अमेंडमेंट में हम वही चीजें जोड़ते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी का सर्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट से हो, ठीक है? आगे चलते हैं, इसको देख लेना स्लाइड, तुमको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। इंडिया जो है, जैसे एक होता है फेडरल सिस्टम, एक होता है यूनिटरी सिस्टम। जैसे यूके है वो यूनिटरी, ठीक है, ट्रू यूनिटरी, और फेडरल में यूएस जो है वो ट्रूली फेडरल है। फेडरल मतलब पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, यूनिटरी मतलब पावर कॉन्सेंट्रेटेड है इन द हैंड ऑफ सेंटर। इंडिया क्या है? अगेन दोनों का चोमू है। चोमू मतलब दोनों का मिक्सर था। अरे वाह वाह वाह, मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर, हमने दोनों प्रोविजन ले लिए। फेडरल फीचर मतलब हमने कुछ दो गवर्नमेंट बनाए, डिवीजन किया पावर का, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। फिर यूनिटरी फीचर भी है कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक सिटीजनशिप बनाई। यूएस में 50 स्टेट है, 50 स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप है, तुम स्टेट के भी सिटीजन हो और तुम कंट्री के भी सिटीजन हो इस तरह से, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये कुछ प्रोविजन है, इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज क्वासी फेडरल, इंडिया इज फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। और ये प्रोविजन हमने कहाँ से उठाया है चब्बू? किस कंट्री से? कनाडा से। किससे? कनाडा। अरे वाह वाह, ये नहीं सुना था तुमने पहले? सुना था सर। लेकिन फिर भूल गए, इतना पढ़ रहे हैं ना, इतना चीज याद करना है सर। नहीं आया नहीं? यस सर। हाँ, फेडरेशन का यूज नहीं किया हमने, हम यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं अपने आप को। इसलिए बोलते हैं ऐसा क्योंकि जैसे यूएस में क्या हुआ है, यूएस एक इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है, इंडिया इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। हम स्टेट से पूछ के उसको नेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, हमको जिसको मन करेगा, जैसे मन करेगा स्टेट्स को बढ़ा घटा हम सकते हैं। कोई भी स्टेट हमसे छोड़, हमें छोड़ के नहीं जा सकता, दे हैव नो राइट टू सीसीड, ठीक है? इसीलिए ये सब बातें हुई है कि इंडिया ने मतलब बहुत सारा पावर सेंटर को दे रखा है। इसका आंसर क्या है, कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का? रिमेंबर, जब भी वीडियो रिवाइज करोगे मेरे को पॉज कर देना, क्योंकि मैं तुरंत आंसर बता दूंगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। देखो, फेडरलिज्म का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है? हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। डी डी बोला, एग्रीमेंट नहीं है। यस सर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बच्चा है। इसका आंसर बताओ, गवर्नमेंट नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बनाया है? प्लानिंग कमीशन, ठीक है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसमें जो सबसे ऊपर चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है, वाइस चेयरमैन जो है अब वो चेंज हो गया। थोड़ा याद ये रखिएगा कि पहले ये जो बंदे देख रहे हैं आप, इनका नाम था राजीव कुमार, इन्होंने रिजाइन कर दिया कुछ टाइम पहले। सीईओ है ये अमित, क्या बोलते हैं, अमिताभ कंट नाम है शायद इनका, ठीक है? सीईओ ये अभी भी सेम है, अमिताभ कंट इज स्टिल देयर, बट राजीव कुमार हैज रिजाइन रिसेंटली। तो अभी जो तुम्हारा वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरपर्सन है, वीसी, ये चेंज हो गया है। इसका नाम है सुमन बेरी, ठीक है? दिस गाय इज नॉट द वाइस चेयरमैन राइट नाउ, तो वाइस चेयरमैन हैज चेंज, हिज नेम इज सुमन बेरी। वो आई थिंक 1 मई 2022 से उन्होंने ज्वाइन किया है, तो ये नाम याद रखना, करंट अफेयर्स है, पूछ सकते हो, ठीक है? 1 मई 2022 अभी एकदम रिसेंट है। Are you understanding कोई ऐसा शब्द ना? Yes sir. Parliamentary form of government, presidential form of government में क्या अंतर है? Parliamentary form of government में sir elected head है. अलीपा. और presidential. और presidential में? Presidential में sir. मेरे भाई वो republic monarchy था. Parliamentary form of government क्या होता है, जिसमें executive जो है वो legislature का part है. Executive part of legislature, responsible to legislature. और presidential form of government क्या होता है, where executive is not part of legislature. बताया था या नहीं बताया था? Yes sir. क्यों खा गए उसको? भूख लगा था तुमको? खाना नहीं मिलता है? Presidential, executive, not part of legislature. तो ये चीज़ है। जैसे मोदी जी जो है वो लोकसभा का पार्ट है, लेजिस्लेचर का वो पार्ट है, अलग से नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेजिस्लेचर के लिए बस लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो ये सारी स्लाइड्स हमने पहले भी डिस्कस किया, मिस्टर शबनम, मिस्टर शबनम, मिस्टर शबनम, भूलिए मत इसको, ठीक है? बहुत लोग सोचते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट मतलब पीएम है, प्रेसिडेंशियल मतलब प्रेसिडेंट है, दैट इज नॉट द बेसिक मीनिंग। द बेसिक मीनिंग इज एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है? यस सर। बहुत दुखी हो गया क्या तुम? नो सर। इसका आंसर बताओ सर, बी। और इसका कैसे याद रखते हैं? प्रीएम्बल याद हो गया तुमको? जी, प्रीएम्बल सुनाओ। We the people of India solemnly सर मैं शांति। कितने होमवर्क दिए हैं आपने? मुझे याद है। पूरा याद है? पूरा ही याद है सर। सुनाओ तो सर,
बाप रे सर सुन ओके ट्राई करते वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर समझिए समझिए। अब आपका होमवर्क है कि लर्न प्रीएम्बल, याद कर लीजिएगा प्रीएम्बल, ठीक है? अब मुझे याद है रिवाइज कर लीजिए। तो अब देखो जो yes, यहाँ ठीक है ना, जो लिबर्टी है उसका निमोनिक था टेफा। टेफा का क्या मतलब, कितने टाइप के लिबर्टी? थॉट एक्सप्रेशन बिलीव थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप। अद्भुत प्रतिभा के धनी है आप। उसके बाद डिफरेंस क्या है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूए सॉरी इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, मतलब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में? एग्जीक्यूटिव मेंबर है। अली बापरे, नहीं वो तो सब कुछ ठीक है, दोनों ही पार्लियामेंट्री हैं तो हम एग्जीक्यूटिव पार्ट है लेजिस्लेचर का। ब्रिटेन एक मोनार्की है, हम एक मोनार्की रिपब्लिक है, इंडिया एक रिपब्लिक है। तो यस सर, इंडिया रिपब्लिक है मतलब इंडिया में इलेक्टेड हेड है और वहां पे क्या है, यस क्वीन है, वो हेरिडिटरी हेड है। बहुत सारी और भी बातें यस हैं। इंडिया में जो पीएम है ना वो किसी भी हाउस का हो सकता है, लोअर हाउस अपर हाउस, लेकिन जो यू मतलब वहां के यूके के जो पीएम है ही हैज टू बी फ्रॉम लोअर हाउस। बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट है वो हम डिस्कस करेंगे अगेन जब हम मेंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इसका आंसर बताओ जल्दी से छबूमिया। राज्यसभा कैनॉट बी डिसॉल्व्ड। फिर वही पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्या कर रहे हो मेरे भाई, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सर डी। तो फिर क्यों ये सब फालतू के ऑप्शंस बोलते हो सर डी। जब तुमको पता है कि कितने हजार बार, और ये 2022 में 21 में क्वेश्चन आया है, ठीक है रिवाइज कर लीजिए। इसका आंसर बताइए। सर आपने बोला था रिस्पांसिबल वर्ड याद रखने, याद आ गया। इन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। सर सी। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हम इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी फैसले खुद से लेता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है, हायरार्की हमारे यहाँ। हायरार्की मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट उसके नीचे, फिर उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये हायरार्की है। हायरार्की में क्या होता है, खिचड़ी बन गया। खिचड़ी मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेट लॉ भी देखता है, सेंट्रल लॉ भी देखता है, सब लॉ देखता है। लेकिन ऐसा यूएस में नहीं होता। यूएस में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है बट नॉट इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। कहने का क्या मतलब है, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल लॉज देखेगा, वो वायलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। वहाँ का जो हाई कोर्ट्स है जो डिफरेंट स्टेट्स में, वो स्टेट लॉज देखते हैं। एक हायरार्की मतलब इस तरह से नहीं है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े हैं हाई कोर्ट से, नहीं, सब अपनी अपनी जगह है भाई। यहाँ पे जैसा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स नीचे, वैसा वहाँ नहीं है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता आसा? यस सर। अद्भुत प्रतिभा के धनी है आप। इसका आंसर बताइए, कस्टोडियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? सर सुप्रीम कोर्ट। अली बापले बापले। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमने देखा क्या क्या चीज उनको प्रोवाइड की गई है, ये भी देख लीजिएगा। बीच में प्रशांत भूषण को ₹1 फाइन लगा था क्योंकि उन्होंने कुछ बातें बोल दी थी जो नहीं बोलना चाहिए। 10 मिनट और बच रहा है, उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। 10 मिनट में हमें एटलीस्ट 100 तक जाना है। डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्चू किस चीज में आता है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 है। बहुत लोग जो होता है मुंह उठा के 14 into 32 बोलते हैं, प्लीज डोंट से दैट। ये जो पार्ट 3 है दैट इज फ्रॉम 12 टू 35 है। आपको ये पूरे फंडामेंटल राइट्स याद करने में शबनम, विल यू बी एबल टू डू दैट? यस सर। 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 13 में वो बाय लॉज लॉज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पहले बने थे उनका क्या होगा, वो जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक्सेट्रा। उसके बाद 33, 34, 35 जो है वहाँ पे बातें हो रही है मार्शल लॉ के केस में क्या होगा, मिलिट्री पे ये एप्लीकेबल है नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए 12 टू 35 जो है ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है। 14 टू 18 जो राइट टू इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ पे जो तुम्हारे राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है 19 टू 22 पहला वाला जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, SSAMRP आई गेस, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ आई थिंक दूसरा वाला ए क्या है, देखते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, एक और असेंबली। उसके बाद आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। फिर तुम्हारा 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, 22 है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात हो रही है कि तुमसे कोई स्लेवरी नहीं करवा सकता, बेगरी नहीं करवा सकता, बच्चों को गलत जगह काम नहीं करवा सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट कर सकते हो, ये सारी बातें हैं। आप टैक्स नहीं पे करना चाहो तो नहीं पे कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं अटेंड करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। कल्चर एजुकेशनल राइट्स हैं जिसमें सिर्फ दो तरह के माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया है इंडिया में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज को।
और उसमें हमने देखा था कितने तरह के रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, 6 तरह के माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, ठीक है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, और कौन है, पारसी है, और कोई छोटा, 6 माइनॉरिटीज हैं, बुद्धिस्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब कोई भी आपका राइट वॉयलेट होता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट, और कोर्ट इशू करेगा डिफरेंट डिफरेंट रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टिओरारी क्वारेटो, एटसेट्रा एटसेट्रा। 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से 44th अमेंडमेंट में, अभी आपने देखा, उसको बाद में घुमा के यहाँ पहुंचा दिया 300A पे, ताकि ये फंडामेंटल राइट ना रहे, ये एक लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग शबनम? यस सर, यस सर। इसको देख लिया, इसको बहुत बार देखा है, बहुत हजार बार देखा है, फिर से देख लेना, आगे चलें। यस सर। इसको भी देख लिया है, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस में डबल जो बॉडी की बात की थी कि एक क्राइम के लिए आपको दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कोहली ने अगर एक बार गाली दिया तो उसको एक बार ही पनिशमेंट मिलेगा, फाइन मिलेगा, समझ आया, ये हमने डिस्कस किया था पहले। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अभी हमने ये बातें की हैं। कल उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या है शबनम, मिस शबनम, मिसेस शबनम? सर 1 and 4। अरे अद्भुत प्रतिभा के धनी आदमी है आप। उसके बाद कल्चर एजुकेशनल राइट्स, इसमें क्या होता है जनरली जो होता है ना इंस्टीट्यूशन में कुछ ही परसेंट रिजर्व होता है माइनॉरिटीज, मतलब रिजर्वेशन बाय सर्टेन अमाउंट का होता है, लेकिन कभी कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज के जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, वहाँ पे वो 75% तक रिजर्वेशन दे सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, बिकॉज दे आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 30। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके ये राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज वेल, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, और उस केस में ये राइट्स इशू होंगे, रिट्स इशू होंगे, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिओरारी को वारंटो। डिस्कस किया है राइट टू मैरी, किस आर्टिकल में आता है? 21। और जो बीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारी बातें करेंगे, सोसाइटी में रिसोर्स इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुत्ता भौंक रहा है, किसका कुत्ता है ये, ठीक है। नहीं, अब कभी कभी क्या होगा, अगर इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आपके सारे एफआर को हटा सकते हैं। क्या हुआ इस कुत्ते को, इसको किसने डाटा है? लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कोई नहीं छीन सकता आपसे। 20 क्या है, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 6 राइट्स जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं वो अगर आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है तब कोई नहीं हटाएगा आपसे, लेकिन अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, पाकिस्तान वाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो वो 6 राइट्स भी नहीं मिलेंगे कि जो भी मन में आए वो बको, वो नहीं कर सकते तुम। आर यू अंडरस्टैंडिंग मिस्टर शबनम? यस सर। हाँ, उसके बाद क्या है कि अब 31 हटाया, लेकिन 31 में कुछ और लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड चीजें डाल दी इन्होंने जो 9 शेड्यूल में आती हैं, जिससे जो रिलेटेड है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें ये बोला जाता है कि अगर ये सब लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाह रहे हैं, तो आप ये मत बोलने लगना कि आपका आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज का ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी लड़की से प्यार कर लेंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुहाई देके कुछ भी उसको बता देंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीजें उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है 33 के अंदर। मार्शल लॉ मतलब क्या होता है, जहाँ पे पुलिस की जगह आर्मी कंट्रोल कर रही होती किसी पर्टिकुलर एरिया को, वहां पे भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है आपके ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई तरह से शबनम? यस सर। राइट टू प्राइवेसी, आंसर क्या है इसका, क्या हम फास्ट जा रहे हैं, एसपी ठीक है? 21 सर, आर्टिकल 21। अरे बाप रे बाप रे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसको बोलते हैं, जस्टिस केएस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कोई भी केस को लेके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है जहां पे 5 और उससे ज्यादा जजेस जो हैं वो वर्डिक्ट देते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कुछ भी आंसर मत बोलो, इससे लगेगा कि बकैती करने में बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है। 5 और उससे ज्यादा जज अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई वर्डिक्ट देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन जाता है, समझ में आ रहा है? ये बताया था नहीं बताया था पहले? यस सर। क्यों ये क्या क्या बोल रहे थे, कुछ भी भांग खा के बैठे हो? सर मैं वही बोलने वाली थी। अरे बापले बापले, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। 21 अब ये बता, इसका आंसर बता, कैबिनेट, ये आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस प्रिंस मतलब क्या है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अनदर नेम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। सी सर। सी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, ये बताओ जल्दी से बताओ, सबूत जल्दी फास्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुस्लिम पार्लियामेंट, सर सी जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहे तो हाँ वो, लेकिन 6 मंथ के अंदर उनको बनना होगा, ए है। ये सेम चीज सीएम के लिए भी लागू होता है, सीएम भी किसी हाउस के मेंबर नहीं है, डजंट मैटर, ये इनके साथ हो गया था, ये महाराष्ट्र के सीएम के साथ, वो किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, क्योंकि उनको लगा ही नहीं था, पता ही नहीं था कि वो बन जाएंगे, लेकिन बन गए, फिर बाद में वो 6 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए, समझ आया, 6 महीने के अंदर बनना होता है। फिर ज्यूरिसडिक्शन हमने देखा है कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टिओरारी, क्वारंटो, ये इशू कर सकते हैं वो, लेकिन इसमें बातें होती है कि किसका रिट ज्यादा है, मतलब ज्यादा पावरफुल किसका रिट है,
आप समझते हैं इस बात को, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट इशू करेगा फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉयलेट हो रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट अगर आपके कोई सिंपल राइट्स भी वॉयलेट हो रहे हैं, लीगल राइट्स भी वॉयलेट हो रहे हैं, तभी वो इशू कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो ज्यादा है, लेकिन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया ये रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट जहां वो एक्टिव है जिस जगह उसका ज्यूरिसडिक्शन है उसी एरिया में मतलब वो इशू कर सकता है, यानी तो दूसरी जगह में इशू तब करेगा अगर उसके घर में एक्टिविटी हुई है। जैसे मान लो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, तो अगर इस एरिया में कुछ होता है तो वो इशू कर सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं इशू करेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, समझ में आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर जगह इशू कर सकता है, तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है, वैसे रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का ज्यादा है। तो ये सारी बातें हैं। अब उसके बाद देयर इज फॉर्म ऑफ रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मतलब किसी को अगर गलत तरीके से पकड़ के रख लिया है तो उस केस में हैबियस कॉर्पस इशू होगा, याद रखना। जितने रिट्स आप पढ़ रहे हैं 5, उसमें से सिर्फ ये एकमात्र ऐसा रिट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू हो सकता है, बाकी सारे पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट इशू होते हैं, ये याद रखिएगा। ये आपको 50,000 बार पता है। मिशनम Have I told you? Yes, sir. वाह वाह वाह, अद्भुत प्रतिभा। मैंडमस मतलब वीक कमांड, अगर कोई आदमी काम वाम नहीं कर रहा है, तुम आईएएस ऑफिसर बनने के बाद सिर्फ लड़कियों के फोटो देख रहे हो और पढ़ाई नहीं, मतलब काम नहीं कर रहे हो ढंग से, तो मैंडमस इशू हो जाएगा तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक है। ये कभी कभी ऊपर वाले हाई नीचे वाले कोर्ट को भी बोल सकते हैं कि अपना काम करो ढंग से यार, तुम लोग आजकल काम वाम नहीं करते, मन नहीं लगता तुम्हारा काम। फिर प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर वाला हाई कोर्ट जो हायर कोर्ट है वो नीचे वाले कोर्ट को बोले कि आप ये मत करो, ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, आप फालतू की चीजें कर रहे हो। सर्टिओरारी क्या होता है कि इसमें मना तो करेगा ही, आप मत करो, और अगर उसने कुछ गलत जजमेंट दिया तो उसको काट खत्म भी कर देगा, समझ में आ रहा है ना। तो प्रोहिबिशन और सर्टिओरारी मोस्ट ऑफ द केसेस में जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज इशू करते हैं। उसके बाद कोवारंटो है कि अगर आपने कोई पोस्ट किया है ज्वाइन तो किस अथॉरिटी से, मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखा के कोई यूपीएससी क्लियर किया है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड है, तो हो सकता है आपके आगे कोवारंटो इशू हो जाए। तो ये सारी बातें हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, कीता सी या नहीं कीता सी। यस सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है ये हमने आयरलैंड से लिया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हमारा इंस्पिरेशन है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। जैसे गांधीयन में है कि ग्राम पंचायत को प्रमोट करो, ये गांधीयन हो गया। ऐसा नहीं है कि जो सोशलिस्टिक होगा वो गांधीयन नहीं होगा, और कोई फिक्स्ड साइलो नहीं है, मिक्सर भी हो सकता है, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर डीपीएसपी है जो दोनों फीचर है। लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं आपको फटाफट मीटिंग आईडी भेजता हूँ। आज हमारा क्या एम है, कहाँ तक जाना है हमें, किस स्लाइड तक जाना है, मिस्टर शबनम? 240 ठीक है। तो डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, लेकिन ये जस्टिशियबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिशियबल थे। बीच में झगड़ा चल रहा था कौन बड़ा, तुम बड़े कि मैं बड़ा, सुप्रीम ये डीपीएसपी बड़ा या फंडामेंटल राइट्स था। मिनर्वा में इस केस में बोला गया कि नहीं, दोनों सब अच्छे, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब अच्छे, सब दे आर ऑल वेरी गुड बॉयज। तो एसजीके एमडब्ल्यू आप लोगों को पहले भी मैंने